पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एबीसी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्रीष्मकालीन 10 दिवसीय समर कैंप का समापन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रतिदिन नई शिक्षा ग्रहण की। समाज सेविका एवं स्कूल संचालिका संगीता भार्गव ने बताया कि समर कैंप छात्र छात्राओं को एक अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है जो खेल खेल में सिखाया जाता है और इससे छात्र छात्राओं के भविष्य में निखार आता है। अब भविष्य मजबूत हो जाता है यदि बच्चों को टीवी और मोबाइल से अलग रखते हैं, तो घर पर भी अभिभावकों द्वारा उनको नई नई चीजों का ज्ञान देकर, जैसे प्लास्टिक की बोतल से गुलदस्ता बनाना, दोने प्लेट से क्राफ्ट का सामान बनाना सिखाना आदि। छुट्टियों में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के कौशल को बढ़ाएं। समर कैंप में शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ अलग अलग विषयों में शिक्षा ग्रहण कराई। कुछ बच्चों ने नृत्य सीखा तो कुछ ने ताइक्वांडो की शिक्षा ग्रहण की और इसी के साथ बच्चों में उत्साह दिखाई दिया। समर कैंप हम लोग ने एबीसी मॉन्टेसरी ने 10 दिन का लगाया था, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की हम लोग ने एक्टिविटी सिखाई थी, जिसमें डांस था, सेल्फ डिफेंस का था, इजी कुकिंग था। जिस समय मम्मियाँ घर पे नहीं होती हैं तो बच्चे भूख के मारे कुछ नहीं खा पाते, तो इजी कुकिंग, नॉन स्टोव कुकिंग इनको सिखाई गई थी। आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया गया था इनको, इनको वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट सिखाए गए थे। काफ़ी सारे ऐसे 10 तरह के आइटम्स थे जो बच्चों ने अपना गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ टीवी ना देख के, और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे जिस तरह से होमवर्क करके बना के लाए, तो मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों ने उतने दिनों में टू मच ऑफ मोबाइल या टू मच ऑफ टीवी देखा गा, इनकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान था। आज हम लोग ने सर्टिफिकेट एंड कंपटीशन बच्चों के बीच में किया है और टीचर्स भी काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चों के लिए हमें लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। भैया मैं बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए तो कहना चाहूँगी, बच्चों को अगर आप प्रॉब्लम्स, आप लोग बहुत हमारे को बताते हो कि बच्चा पूरे दिन मोबाइल देखता रहता है, पूरे दिन कुछ नहीं करता है, लेकिन ये आपकी गलती है कि बच्चों को अगर आप ओवरऑल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चा मोबाइल और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उनको हमें प्रोत्साहित करना है, उनको सर्टिफिकेट्स देने हैं, उनको अवार्ड्स देने हैं कि आपने बेटा गर्मियों की छुट्टी में बहुत अच्छा काम किया, तो आप ये हमारी तरफ से हम आपको ये अवार्ड देते हैं, तो बच्चे वो खुशी खुशी करेंगे और वो उनकी हैबिट बन जाएगी। अभी बच्चों के पास कोई काम नहीं है तो उनके पास सिर्फ मोबाइल और टीवी है, और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इन 10 दिनों में, हालांकि गर्मी बहुत तेज है, आज भी बहुत गर्मी तेज है, फिर भी इनका बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ।